सुशांत सिंह राजपूत को जल्द ही इंसाफ मिलने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज एक ऐसा काम होने वाला है, एक इतना बड़ा काम होने वाला है जिससे सुशांत सिंह राजपूत केस में उनको इंसाफ मिलने की पूरी पूरी कोशिश है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो उनके फ्लैटमेट हैं सिद्धार्थ पिठानी, उन्होंने सीबीआई के सामने कई बड़े बड़े खुलासे करे हैं। और आपको बता दें कि वो अब अपने स्टेटमेंट से बदल ना जाए, इसके लिए वो अपना एक मामला वो अपना है मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत एक बयान दर्ज करवाएंगे। जी हाँ, जिसमें वो कन्फेस करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो उन्होंने खुलासे करे हैं वो एकदम सही हैं और वो इन सब खुलासों को खुद से स्वीकार करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एक कन्फेस एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा मजिस्ट्रेट के सामने सिद्धार्थ पिठानी का, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी ने पहले भी इस बात के कई खुलासे करे हैं कि उस रात को 13 जून की रात को कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत के घर पर आए थे। और अब आपको बता दें कि वो कहीं आगे जाके अपनी स्टेटमेंट से चेंज ना हो जाए, तो ये जो उनकी स्टेटमेंट होगी ये उनकी फाइनल स्टेटमेंट होगी जिसमें वो सब बातों के खुलासे करेंगे। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी जो है वो कभी भी अपनी कन्फेस अपनी स्टेटमेंट से नहीं बदल सकते, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट के सामने इस स्टेटमेंट को धारा 164 के तहत दर्ज करवाएंगे। जी हाँ, और आपको बता दें कि ये भी बताया जा रहा है जो नीरज है, नीरज की भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। और पहले ये भी खबरें आ चुकी थी कि ये जो दोनों हैं सिद्धार्थ पिठानी और नीरज, ये दोनों ही सरकारी गवाह बनने के लिए इन दोनों ने हाँ कर दी है। जी हाँ, और आपको बता दें कि अब ये दोनों ही सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़े बड़े खुलासे करेंगे। जी हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए।